Hey guys, how's the Josh? मैं हूं चेतन from Gaming Josh और इस वीडियो में हम बात करने वाले about the Realme UI 3.0 update on the GT Neo 2. GT Neo 2 में finally हमें beta version मिल चुका है Realme UI 3.0 का और अभी recently जो लोगों ने इसको एक अच्छे offer के साथ खरीदा था उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ये update रहेगा. पहले obviously जो users हैं उनके लिए भी update अच्छा है क्योंकि obvious बात है 90 तो अभी भी इसमें unlock नहीं हुआ है. काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि नहीं कुछ लोगों ने बोला अभी तक काफ़ी लोगों ने नहीं बोला बट कुछ लोगों ने बोला जिन्होंने अपडेट किया कि 90 FPS उनको लॉबी में दिख रहा है इवन दे हैव दी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक्टिव और उसके साथ साथ GT मोड है. बट मेरे फ़ोन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मुझे अभी भी 60 FPS ही मिल रहा है. मगर जो परफॉर्मेंस मुझे मिला है दैट एक्चुअली सीम्ड मच बेटर दैन वॉट इट वॉज ऑन द प्रीवियस वर्जन. सो गाइज ये रहा इसका वर्जन, दैट इज द C.03 वर्जन ऑन द Realme UI 3.0. दिस इज स्टिल बीटा, ये आप याद रख लो, दिस इज स्टिल बीटा, दिस इज नॉट द ऑफिशियल वर्जन. तो बीटा से ऑफिशियल में और भी बेटर हो सकता है परफॉर्मेंस या खराब भी हो सकता है, बट बीटा में एटलीस्ट आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ठीक है परफॉर्मेंस में ये लोगों ने कोई दिक्कत नहीं की है, काफ़ी अच्छा मिल रहा है. और मैंने इसको दोनों मोड्स में खेला, दैट इज द रेगुलर मोड एंड द GT मोड. और ग्राफिक सेटिंग्स तो आपको ऑब्वियसली यही मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा. स्मूथर एक्सट्रीम ही है, 90 का ऑप्शन आया नहीं है. और मैं अलग से वीडियो करूंगा 90 का ट्राई करूंगा ऑन सेकेंडरी आईडी विद द कॉन्फिग टू सी कि 90 आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अलग से देखेंगे. बट परफॉर्मेंस आप देख लो इसमें, काफ़ी मुझे स्मूथ लगा. हमने सेनॉक बूट कैंप ही सब कुछ ट्राई किया इसमें, सेनॉक बूट कैंप ही ट्राई किया, बाकी तो क्लासिक तो काफ़ी सही जा रहा था तो उसका रिकॉर्डिंग कुछ नहीं किया मैंने. बट ऑन बूट कैंप भी एक एक बार ही वो 40s में जा रहा था और ज़्यादा 40s में गया था जब हमने GT मोड को ऑफ किया था. GT मोड जब भी ऑन था फ्रेम रेट इतने गंदे गिरे ही नहीं और काफ़ी स्मूथ लगा मुझे जब भी हम 60 FPS पे खेल रहे थे. सो दैट्स वेयर द डिस्कशन कम्स अबाउट द 60 वर्सेस 90. जब 60 काफ़ी सही से अगर आपको आ रहा है देन 90 का ऑब्वियसली आपको इतना नहीं सोचना चाहिए. मुझे पता है जब आप इतना स्पेंड करते हो तो काफ़ी लोगों को लगता है कि यस 90 का ऑप्शन देना चाहिए, 90 FPS आउटपुट आना चाहिए. बट अगर नहीं मिल रहा तो 60 में भी कितना ये डिपेंडेबल है वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है. यहाँ पर तो मुझे GT Neo 2 में काफ़ी अच्छा लगा बीटा UI 3.0, मतलब UI 3.0 में जो बीटा वर्जन उस पर तो काफ़ी अच्छा चला है. अब आगे जाके पब्लिक वर्जन में ये लोग अगर इसको चेंज ना करें परफॉर्मेंस को या कुछ भी अभी तक जो है उसको चेंज ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये. और अब आप खुद ही देख लो परफॉर्मेंस आपको एक लगेगा, ऊपर जो इनका खुद का रियल टाइम इन्फो है उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा इसका फ्रेम रेट है. वाह, मेरा पैराशूट खुल गया माइक ऑन करते हुए. मेरे साथ टेलीपोर्ट हो रहा है इसका. बंदा है लेट के वहीं से देख. टीवी है राजू. अरे भाई अब मैं ऊपर वाले को नॉक दिया है नहीं वो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा. बॉट है, बॉट है, बॉट है. मेरी क्या हो गया है इधर? Watch out. ऊपर चढ़ रहा है.
ऊपर से आएगा हाइपर। अरे पीछे बंदा है पर। सामने ही है वो, वॉल पे टिकट दे रहा है। हीलिंग दे, हीलिंग दे। अच्छा तेरे पास भी नहीं है। Excellent work. अभी कुछ दिन बाद ही हेडफोन पहनूंगा। अरे ये रहा कनेक्शन। M4 भी चलेगा। छत पे, छत पे, छत पे, अंदर घुसो। कुछ नेक्स्ट साइड बंदा छत की दीवार पे ही है। पड़ी उसको रहा। नहीं गिरा गिरा अरे कम हो गया। अभी मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया। बंदा आ गया क्लोज। आपके नीचे बंदा जोश पे आ। मेरे नीचे भी बंदा, दो से बंदा है। हीलिंग जीरो है मेरे पास। मैं आया क्या? मैं हूँ। रुक जा, रुक जा। दूर से उसके बंदों को पड़ रही है। इसका बंदा कोई नॉक हो गया, मैं वो देख नहीं पाया। वापस चल पीछे। Get to the safe zone ASAP. Okay.
हेड पड़ा है बार हीलिंग है क्या? नहीं है, उसका वो उठाना पड़ेगा जाके। ये ले फर्स्ट एड गिरा रहा, अच्छे बैंडेज गिरा है। आ गए बंदे नीचे अपनी जगह पे, हम जहाँ से घुसते हैं अंदर। नहीं हम जहाँ से घुसते हैं मेरा अपने अपने यहाँ पे रे, मेन में अंदर कहाँ से एंट्री होता है अपना? पूछना है ना, बताना। अरे ओपी ओपी वे बॉट क्या? वॉच आउट, लास्ट बंदे जरे बॉट पे थे। लवली जो बंदा आया So that's it guys, this was the gaming on the Realme GT Neo 2 with the Realme UI 3.0 beta version. 60 FPS पर है, 90 का मैं अलग से वीडियो करूंगा, बताऊंगा कि 90 हो रहा है enable या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मैंने enable किया, and उसके अलावा obviously अगर कुछ ऐसे गलत ट्रिक से मैं 90 enable कर रहा हूं तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि चैनल के लिए भी एक रिस्की बात है। आजकल बहुत हमने देखा है कि जब भी कोई कॉन्फिग का बात करता है या GFX का बात करता है तो उनके चैनल के वीडियोज डिलीट हो जाते हैं, चैनल भी टर्मिनेट हो जाता है, तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू सी मैं कुछ भी किसी तरीके से आपको बता पाऊँ कि कैसे इसमें 90 वर्क करेगा। तो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बोले, शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिएगा मिंजोश को। कीप द जोश, आई सी माय नेक्स्ट वीडियो।